नसीब हो तुम तारा सिंह जो तुम्हें आज ने अपने पन हमें बुलाया है। तुम्हें आलू के गुर्गे खाने का मौका दिया है। तुम क्या सोच रहे हो सब्जी मंडी में रहने के लिए तुम्हें कबूल है? बड़ी इच्छा ये रहती है कि वो सभी सब्जियों को बड़े प्यार से और चाव से खाएं। मंडी कबूल है? लौकी भिंडी और कद्दू खाने वाले बड़े चाव की सब्जियाँ है ये। तुम्हें सब्जी मंडी कबूल है? 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 कबूल है। आलू लौकी की बहुत मेहरबानी, आइए आपका स्वागत है सारी सब्जी खाने के लिए। एक मिनट काटी साहब। इसके कदम हमारे सब्जी मंडी में पड़े, इससे पहले जान लें कि हमारी सब्जी खाने लायक है या नहीं है। अगर तुम्हें सब्जी मंडी में रहना पसंद है तो ये बोलो आलू जिंदाबाद। आलू जिंदाबाद। कहो सब्जी मंडी जिंदाबाद। सब्जी मंडी जिंदाबाद। अब बोलो कि टमाटर मुर्दाबाद। असरापली 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 असरापली। ये ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो आप? आपका आलू जिंदाबाद है, इससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा टमाटर जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आज 200 रुपए किलो है और कल 400 रुपए किलो बिकेगा। टमाटर जिंदाबाद, टमाटर जिंदाबाद, टमाटर जिंदाबाद, टमाटर जिंदाबाद। बकवास बंद कर, जब तक तूने ये नहीं बोला कि टमाटर मुर्दाबाद, हम कैसा यकीन कर ले कि तुम हमारी सब्जी मंडी को कबूल कर रहे हैं? इस सब्जी मंडी से ज्यादा आलू ठेलियों में बिकते हैं और लोगों के घरों में जाकर प्रेशर कुकर में सीटी मारते हैं, बैठकर गुटखा खाते हैं। क्या वो आलू खाने लायक नहीं है क्या? तकलीले बंद कर, जब तक तू ये नहीं कह देता है कि टमाटर मुर्दाबाद, तब तक तेरे को खीरा नहीं मिलेगा। बस बहुत हो गया है। लहसुन प्याज उगाने के लिए मैं अगर खेतों में मेहनत कर सकता हूँ, खीरा खाने के लिए थोड़ी मेहनत करके चोरी नहीं कर सकता हूँ? क्या हमारी सब्जी मंडी में चोरी करेगा क्या? मारो! क्यों रे?